वैसो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे बनाएंगे। कुछ शानदार इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने जैसे बोला था कि जैसे जैसे आप लोग ये पेपर पास में आ रहे हैं तो इसमें स्टैटिक पोर्शन भी डालना स्टार्ट करूंगा। तो काफी स्टैटिक पोर्शन आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। पॉलिटी के कई सारे चैप्टर आप लोग के कवर होने वाले हैं, तो एंड तक बना रहिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। यू विल एंजॉय इट अगर आप लोग एंड तक बने रहते हैं। इसी के साथ में कई सारी और भी ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी जो कि आप लोगों को लाइफ में फायदा पहुंचाएगी। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा लेक्चर को। और देखिए, कोई भी लेक्चर देखा करें ना, ये नहीं कि बस पढ़ने बैठ रहे हैं यार, अब तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल रिलैक्स हो गए, बिल्कुल नॉर्मल जोन में आप लोगों को लाइफ को एंजॉय करना है। कि जिस तरीके से नहीं मूवी देखने बैठ जाते हैं कि चलो यार कुछ आज अच्छा देख लेते हैं, तो अगर ऐसे माहौल में बैठोगे तो आप लोग काफी कुछ सीख पाओगे। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा लेक्चर को। इसी के बाद में अगर जो पढ़ाई कर रहा है वो ढंग से बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर बैठेगा, और जो नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं तो वो एंजॉय करिएगा आराम से लेक्चर को। इंपॉर्टेंट बात, यहां पर पीडीएफ कहां से जाकर डाउनलोड करनी है, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोगों को डाउनलोड करनी है। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और जाकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। कई सारे बच्चे रेगुलर पूछते रहते हैं, तो सोचा स्टार्टिंग में बताना स्टार्ट कर देता हूं इसको, ठीक है। ये कल की पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल चुकी है, ये भी आप लोगों को यहां पर मिल चुकी है, तो जाकर देख लेना। और आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग जा सकते हैं यहां से एंट्री करके, ठीक है, जहां पर आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। ऐसे दिया था मैंने कल आप लोगों को लिखने के लिए, कई सारे बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया। जो भी प्रीलिम्स देने वाले हैं वो तो रहने देना, पर जो आगे अभी यहां पर पेपर देंगे 2022 में, ठीक है, तो वो अपना प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सारी चीजें यहां पर मिल जाती है जो भी यूट्यूब के ऊपर आती है, तो एक जगह इकट्ठी। तो 1,38,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, आप भी पार्ट बन जाइए। और पॉलिटी के अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो भी सारी मैंने यहां पर पिन कर रखी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी ऑलरेडी, कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम के बारे में। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे एक एक प्रॉपर वे में। सबसे पहले जो यहां पर काफी ज्यादा हाहुल्ला हुआ है देश के अंदर, वो है यहां पर आईटी डिपार्टमेंट की जो भी रेड पड़ी थी यहां पर सोनू सूद के घर पर। तो बोला गया आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा कि लगभग 20 करोड़ जो रुपए हैं उनकी चोरी की गई है। तो यहां पर कई सारे बच्चों ने बोला कि सर इसके ऊपर आपने कुछ बोला क्यों नहीं, कुछ बताया क्यों नहीं। देखिए यार, बोलने बताने वाली बात यह है कि आप लोग डायरेक्ट इन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें नॉर्मली क्या रहती हैं, ये सारी चीजें पॉलिटिकल मुद्दा बन जाती हैं। अब से पहले सोनू सूद जो है वो सही तरीके से सब अप्रिशिएट कर रहे थे, सारी चीज चल रही थी, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी का जो प्रोजेक्ट था उसका पार्ट बने, ठीक है, तो तब से लेके यहां पर ये चीजें सामने निकल कर आने लगी। पर लेकिन वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों के बारे में फोकस देना चाहिए। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से बने तो उसके लिए आप लोगों को बेसिकली फोकस देकर चलना है। और एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो है एक्ट, उसके बारे में बात की जा रही है। इवन अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी FCRA के बारे में, मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, आप लोग जाकर सर्च कर लेना FCRA बाई वीर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी एनजीओ थी जो रिसेंटली उनके फंड बंद किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट का यहां पर यह मानना था कि जो भी यहां पर जो ये एनजीओ है जो बाहर से पैसा ले रही है तो कंट्री के अंदर अशांति फैलाने का काम कर रही है, कई सारी उनके द्वारा इलीगल एक्टिविटीज की जा रही है, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था, ठीक है। तो ये जो एक्ट यहां पर पहली बार यहां पर बिल के तरीके से पब्लिश किया गया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के बारे में, तो 2006 में किया गया था। आगे चलकर ये एक्ट बना फिर 2010 के अंदर में, यानी कि अगर कोई अंदर देश के आप लोग एजुकेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर कोई मुद्दों पर काम कर रहे हैं तो बाहर से कोई यहां पर डोनेशन दे सकता है, पर लेकिन वो जो डोनेशन होगा वो हमारी कंट्री में SBI की ब्रांच के थ्रू ही आप लोगों के पास में पहुंचेगा, क्योंकि SBI के ऊपर जो रहता है वो कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2020 में, इन सब चीजों में और चेंज करने के लिए, इनके ऊपर और पकड़ बनाने के लिए, तो उसके चलते यहां पर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है चीजें, तो याद रखना यहां पर ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, यानी कि अमित शाह जी मिनिस्टर हैं, वो यहां पर ये सारी चीजें चेक करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अभी यहां पर ये भी बोला गया कि मैंडेटरी है, अगर कोई भी एनजीओ यहां पर चाहती है कि वो बाहर से इस तरीके से पैसा ले तो उसको अपना जो बेसिकली आधार नंबर यहां पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसके साथ में ये कनेक्टिविटी यहां पर बनाई गई। कंट्रोवर्सी मैंने अभी आप लोगों को बताई, कई सारी यहां पर ऐसे इश्यू निकल कर आए कि हमारी कंट्री की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में, याद रखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल था जो यहां पर प्रस्तुत की गई, इंपैक्ट ऑफ एनजीओ ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। तो यानी कि जो एनजीओ का जो यहां पर बेसिकली इंपैक्ट रहता है, ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट रहता है, तो ये रिपोर्ट जब पब्लिश की गई जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, तो उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि कई सारी इकोनॉमिक चीजें जो यहां पर देखने को मिल रही है उसमें कई सारी उल्टी सीधी हरकतें की जा रही है, तो उसके चलते यहां पर ये काफी बड़ा इशू बन गया था। और इसके चलते ग्रीन पीस जैसी जो एनजीओ है काफी बड़ी, तो इनके ऊपर भी यहां पर कई सारे एक तरीके से प्रतिबंध लगाए गए, तो ये काफी बड़ा मुद्दा था। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए।
यहां पर इतना ही बताया मैंने क्योंकि पूरी वीडियो है कंप्लीट, एक बार देख लेना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मुझे मैंने बोला था कि थोड़ा हिस्ट्री भी आप लोग कवर करके चलूंगा, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। आप लोगों को पता है इनकम टैक्स एक्ट हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं पहले हमारे देश में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और कौन उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो वॉइस राय थे या फिर गवर्नर जनरल थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां पर ये देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में जो इनकम टैक्स लाया गया वो था टाइम ड्यूरेशन 1860 का, ठीक है। 1860 में उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो यहां पर आज के डेट में अगर आप लोग बात करें उसके हिसाब से लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे वॉइस राय, ठीक है। आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति के बाद में यहां पर जो पोस्ट है उसका नाम चेंज करके आप लोगों ने क्या कर दिया, उसका नाम चेंज करके आप लोगों ने गवर्नर जनरल से वॉइस राय कर दिया। पर लेकिन गवर्नर जनरल और वॉइस राय की जो पोस्ट थी वो यहां पर पैरेलल में चल रही थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये बोला गया था कि जो कि ऑलरेडी कंट्रोल में जो स्टेट आ चुके हैं उनके लिए गवर्नर जनरल रखते हैं, बाकी वॉइस राय जो रहेगा वो यहां पर जो हमारी कंट्री का जो डोमिनियन इंडियन वाला पोर्शन ये काउंट करने की कोशिश करते उसके लिए यहां पर ये रखा गया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वॉइस राय ऑफ इंडिया बने थे, लॉर्ड कैनिंग। तो इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, ये था 1857 से लेके 1862 तक का लॉर्ड कैनिंग का आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो यहां पर इन्हीं के द्वारा बेसिकली एक तरह से प्रोक्लेमेशन किया गया कि यहां पर क्वीन विक्टोरिया का जो फरमान था वो पढ़कर सुनाया गया कि 1858 का एक्ट लाया गया हमारे देश में। रीजन क्या था, 1857 की क्रांति के बाद में काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें देश में हो चुकी थी, तो इसलिए 1858 का हमारे देश में बेसिकली यहां पर एक्ट लाया गया ताकि लोगों को विश्वास में लिया जा सके कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। यानी कि जो कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर पावर जो है वो यहां पर अभी किसके हाथ में आ गई थी, तो यहां पर इनकी जो अथॉरिटी होती है इनकी एक तरीके से यहां पर जो इनकी मेन गवर्नमेंट है एक कंपनी से हटके उनके हाथ में आ गई थी ब्रिटेन के अंदर में, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के अंदर में हम लोग पहुंच गए थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया आगे चलकर 1861, जिसके तहत हमारी कंट्री में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी आप लोगों को मैंने एक पर्टिकुलर न्यूज पढ़ाई थी जिसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अभी रिसेंटली क्या किया गया था, तमिलनाडु की जो असेंबली है, ठीक है, उसको बेसिकली 100 साल पूरे हुए हैं, तो 1921 में यहां पर वो बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिसके, ठीक है, अभी आप लोगों से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आप लोगों ने हरियाणा पीसीएस का पेपर देखा उठाकर, ठीक है, तो उसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। 1921 में बनाई गई थी, हम लोग कहां पर खड़े हुए हैं, हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया 100 साल पूरे हुए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, तो यूपीएससी भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकती है। इसलिए मैंने बोला था हरियाणा पीसीएस का जो पेपर मैंने एनालाइज किया है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट बेस रखते हैं आगे भी क्वेश्चन बनने का, ऐसा टॉपिक से आ जाएगा। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट होगा, पर टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इस टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा अभी आप लोगों से, पर लेकिन फिलहाल अभी यहां पर बात की जा रही है तमिलनाडु असेंबली के बारे में। तो 100 साल उसको पूरे हुए पर लेकिन बनाई गई थी 1800 जो यहां पर 61 का जो एक्ट था इसके हिसाब से यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। आगे चलकर यहां पर ये बेसिकली यूनिकैमरिकल बन गई लेजिस्लेटिव बॉडी 1921 में, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में, आगे चलकर हालांकि फिर चेंज हुआ तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिएगा। तो यहां पर इसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू काम किया गया जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है एक और, यहां पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो काम किया गया, लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो यहां पर इनके द्वारा खत्म कर दी गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखिएगा, इंडियन पीनल कोड का नाम तो आप लोग जानते हैं ना, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इसको आईपीसी बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता जो आज के में आप लोग देखने को मिलता है वो बेसिकली इंडियन पीनल कोड आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो भी यहां पर इसी टाइम देखने को मिलेगा। इंडियन पीनल कोड 1858 के आप लोग यहां पर इसी से स्टार्ट हुए, ठीक है। कोड ऑफ जो यहां पर क्रिमिनल ऑफ प्रोसीजर थे ये 1859 के देखने को मिलेंगे आप लोगों, वो यहीं से आप लोगों को देखने को मिले। हाई कोर्ट 1861 में यहीं से देखने को मिला। तो ये सारी चीजें जो थी वो इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन पे हुई। इवन इंडिगो जो रिवोल्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है फार्मर का, ये 1859 से लेकर 60 तक आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। जेम्स विल्सन जो थे वो फर्स्ट फाइनेंस जो मेंबर थे यहां पर जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स अपनी कंट्री के अंदर में। तो ये याद रखेगा स्लेवरी जो थी वो इलीगल करार दे दी गई थी यहां पर, इसके चलते यहां पर व्हाइट जो म्यूटनी जो बेसिकली बाय द यूरोपियन ट्रूप्स हुई थी 1859 में वो भी आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को बताया, हिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओके आगे चलते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर वीडियो के एंड में आप लोगों को मिलेंगे।
अब इंपॉर्टेंट मुद्दा देखते हैं कि कर बेसिक पूरा एक चैप्टर कवर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाता है। अभी क्या हुआ, जो यहां पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन दे दिया गया, ठीक है। तो नाम था यहां पर इनका अमरिंदर सिंह, तो यहां पर इनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन यहां पर एक तरीके से दिया गया, किसको, यह है गवर्नर पुरोहित लाल, ठीक है। तो अगर आप लोग पंजाब से आते हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी जैसे ही चीफ मिनिस्टर जो रिजाइन करते हैं तो एक तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या क्या पावर होती है, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन में न रहे। माना यह जा रहा है कि ये जो थे बेसिकली राजीव गांधी जी के लंगोटिया यार थे, वो कुछ बातें बोली जा रही है, पर लेकिन अब थोड़ा डिस्टेंस होता हुआ नजर आएगा क्योंकि इनके द्वारा ये बोला गया था जब तक कांग्रेस पार्टी का कोई पर्सन जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है तब तक आप लोग मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिए, यानी कांग्रेस फैमिली का, ठीक है। तो बाकी चलिए जो भी है वो फालतू की बातें हैं। अब इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर समझ लेते हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो यहां पर अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम लोगों ने बात की, इस टॉपिक के अंदर जीएस जो पेपर टू है आप लोगों का पूछ लिया जाएगा। ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, याद रखिएगा, गवर्नर के नाम पर काम किए जाते हैं हमारे देश के, वो गवर्नर के नाम पर काम किए जाते हैं हमारे स्टेट के अंदर में, पर लेकिन नोर जो हेड होता है मेन रियल हेड जो होता है, ठीक है, वो होता है यहां पर चीफ मिनिस्टर, इसलिए चीफ मिनिस्टर को रियल हेड बोलते हैं और यहां पर गवर्नर को नॉमिनल हेड आप लोग बोलते हैं, यानी कि नाम का आदमी, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी यहां पर इसको असिस्ट जो किया जाता है इनके चीफ मिनिस्टर के साथ में कौन-कौन रहते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, जो भी यहां पर सीओएम जिसको आप लोग बोलते हैं, ये बेसिकली इनको अपॉइंट किया जाता है, पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है यहां पर गवर्नर के द्वारा, फिर उसकी एडवाइस पर चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निकल कर आती है। इसी के साथ में यहां पर एडवोकेट जनरल देखने को मिलते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पर आप लोगों को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं, इसी तरीके से यहां पर एडवोकेट जनरल देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि अगर सेंटर में ये बोलेंगे तो स्टेट में क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा बिल्कुल वही पैटर्न है जैसे हमारी कंट्री में सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट में आप लोगों को चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। इसीलिए संविधान का जो पहला आर्टिकल है उसमें अगर आप लोग जाएंगे तो उसमें यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, ना कि ऐसा बोला गया सेंटर और स्टेट है। यूनियन का मतलब यूनियन, यानी कि एक तरीके से सब मिलकर एक साथ में आएंगे तभी यहां पर यूनियन बनता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग अकेला सेंटर को बोलोगे बस सेंटर ही सारे काम करेगा और सेंटर ही सब कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूनियन ऑफ स्टेट इसीलिए फर्स्ट आर्टिकल में हमारे संविधान में ये वर्ड यूज किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं इसको, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साउथ इंडिया में भी जो राज्य है उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज किया, तो सेंटर यूज न करके यूनियन वर्ड यूज करना चाहिए, तो इसलिए भी ये न्यूज में था। तो आर्टिकल 1 भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाता है आप लोगों का। बाकी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये किसके लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ये होती है स्टेट लेजिस्लेचर के। इसी तरीके से अगर बात करेंगे वहां पर पार्लियामेंट की आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करूं अपॉइंटमेंट के बारे में तो आर्टिकल 164 यहां पर काफी ज्यादा पावर रखता है, ये बेसिकली गवर्नर को पावर देता है कि गवर्नर यहां पर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये याद रखना कि ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से कर देंगे, जो भी मेजोरिटी होल्डर होगा यहां पर जो इलेक्शन में जीत कराएगा उसी को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा यहां पर गवर्नर के द्वारा। तो गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, बाकी रियल जो है वो चीफ मिनिस्टर ही, मैंने भी आप लोगों को बताया। स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर है वो यहां पर अगर जीत कर नहीं आता और फिर भी किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो 6 महीने तक ये चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अब ये किस आर्टिकल के तहत क्या क्या काम है तो इसके ऊपर एक आगे आर्टिकल डिस्कस करूंगा, वहां पर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये यहां पर कोई 6 महीने के लिए बन सकता है क्योंकि वेस्ट बंगाल का मुद्दा यही वाला है, उसके बारे में वहां पर बात करूंगा डिटेल में। अभी अगर टर्म के बारे में आप लोग बात करते हैं तो देखिए कोई फिक्स नहीं होती है कि इतना यहां पर रहना है, बेसिकली मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड होता है कब तक मेजोरिटी है, तो नॉट ए फिक्स्ड, यहां पर कोई फिक्स्ड नहीं है चीफ मिनिस्टर के लिए, तो होल्ड करेगा यहां पर प्लेजर ऑफ यहां पर गवर्नर, यानी कि गवर्नर जब तक एक तरीके चाहे तब तक होल्ड करेगा, पर लेकिन गवर्नर कब चाहेगा, जब तक यहां पर गवर्नर तब तक चाहेगा जब तक यहां पर मेजॉरिटी है, अगर मेजॉरिटी नहीं है यहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर गवर्नर ही बेसिकली उठाकर बाहर फेंकेगा, ठीक है, मौका देगा कि भाई साहब अपनी मेजॉरिटी आप लोग प्रूफ करो, और पता चला नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये हार गए, ये अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए तो इनको छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेजॉरिटी नहीं है तो ऐसी गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आती है। तो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल इससे रिलेटेड, गवर्नर जो है बेसिकली होना चाहिए एक राज्य के अंदर में जिसको एडवाइस करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी कि आर्टिकल 163 ये बोलता है कि यार देखो हमारे राज्य के अंदर ना एक गवर्नर होना चाहिए, जब गवर्नर होगा तो गवर्नर को कोई एडवाइस देना भी होना चाहिए, तो यहां पर ये हो गया कौन, हो गया ये, हो गया हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहां पर उसको हेड कौन करेगा, ये करेगा चीफ मिनिस्टर। तो ये माना जाता है कि यहां से इसका उद्गम हुआ कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नर को एडवाइस कर सके, इसलिए हेड कौन हो गया, हेड हो गया गवर्नर, इस तरीके से समझिएगा, ठीक है, इसीलिए इसको हेड बोला जाता है। पर लेकिन एडवाइस पे काम करेगा ये, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, इसलिए नॉमिनल हेड बोला जाता है, समझ गए ना। अगर बात करें यहां पर आगे यहां पर, तो गवर्नर जो है वो ऐसा नहीं है कि अपने डिस्क्रिप्शन पे ही सारे काम कर सकता है, ठीक है, उसको एक तरीके से ऐसा रहेगा अगर ये मेजोरिटी में है तो इनकी एडवाइस मानेगा, अगर मेजोरिटी में नहीं है तो इनकी एडवाइस नहीं मानेगा।
और भी पावर है जहां पर ये अपने डिस्क्रिप्शन अपनी बुद्धि के हिसाब से काम कर सकते हैं। आर्टिकल 164 यहां पर बोलता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा यहां पर गवर्नर के द्वारा, और बाकी जो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे उनको चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करेगा। आर्टिकल 167 क्या बोलता है यहां पर, ये बोलता है कि एक तरह से कम्युनिकेट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी मैटर है यहां पर, किसके अंदर गवर्नर के और चीफ मिनिस्टर के बीच में डिस्कस किए जाएंगे, एक तरह से लिंक भी इसको बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। कई और सारे फंक्शन है यहां पर अगर बात करें, अगर लिखने के लिए भी आप लोगों को लिए आ जाए तो विद रेस्पेक्ट टू, अगर आप लोग लिखने के लिए पढ़ने के लिए एक अलग बात मैं बोलता हूं, पर लेकिन आप लोगों को बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया पता होना चाहिए हमारे चीफ मिनिस्टर क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, बोलते तो रहते हो ये चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर पर क्या क्या काम है ये पता होना चाहिए ना। अगर बात करें सबसे पहले यहां पर विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है ओनली पर्सन जो कि यहां पर रिकमेंड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा, अपने हिसाब से उनको ये अपॉइंट नहीं करता है। बाकी चीफ मिनिस्टर यहां पर एलोकेट करता है क्या क्या पोर्टफोलियो उनका होना चाहिए, यानी कि चीफ कौन से मिनिस्टर को कौन सा एरिया मिलना चाहिए। ये एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ठीक है, ये यहां पर अपना फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, वो सारी चीजें तो ये डिसाइड करेगा चीफ मिनिस्टर। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है कि अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जैसे यहां पर ये ऑफिस छोड़ देता है चीफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि इसी के नाम पर सारी चीज चल रही है, तो अगर यही नहीं रहेगा तो कहानी खत्म। अगर बात करें गवर्नर के रेस्पेक्ट में, तो 167 जो है यहां पर चीफ मिनिस्टर एक्ट करेगा लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लो, आंसर दीजिएगा, डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से कि प्राइम मिनिस्टर और इसी के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, सॉरी प्राइम मिनिस्टर और यहां पर और गवर्नर के, सॉरी प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, कंफ्यूजन, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसी के साथ में प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करता है प्राइम मिनिस्टर, जैसे यहां पर गवर्नर कर रहे हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन है। आगे अगर बात करें, सीएम एडवाइस करता है गवर्नर को रिगार्डिंग एक तरीके से जो भी अपॉइंटमेंट होनी है, जैसे कि यहां पर अगर किसी को एडवोकेट जनरल बनाना है, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर चेयरमैन ऑफ द जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, इसी के साथ में स्टेट कमीशन के अंदर, तो यहां पर ये सारी एडवाइस गवर्नर की दी जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, उनको अपॉइंट किया जाता है। विद रेस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें, तो यहां पर पॉलिसी जो भी अनाउंस की जाती है वो यहां पर इनके द्वारा अनाउंस की जाती है, और यहां पर देख तरीके से रिकमेंड करना है, डिसॉल्व करना है जिस असेंबली को, तो ये भी पावर आप लोगों को यहां पर इन्हीं के हाथ में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी और भी कई सारे फंक्शन है। अगर स्टेट के प्लास अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्टेट पीसेस के अंदर, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर स्टेट पीसेस की तैयारी करें तो ध्यान से सुनिएगा, और इंटरव्यू भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू क्यों ना हो। बोला ये जा रहा है कि यहां पर अगर चेयरमैन के बारे में बात करें, तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन आप लोगों को चीफ मिनिस्टर नजर आएंगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर, जैसे कि जोनल काउंसिल बनाई जाती है, तो यहां पर वाइस जो चेयरपर्सन है वो आप लोगों को चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, एक साल तक ऑफिस होल्ड करते हैं, फिर ये रोटेशन में चलता रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर बात करें इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहां पर इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाई जाती है, तो गवर्निंग काउंसिल है यहां पर एक तरीके से, ये गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, तो यहां पर हेडेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये भी मेंबर रहते हैं यहां पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर। स्पोक पर्सन है गवर्नमेंट का क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर कुछ करना है तो चीफ मिनिस्टर के नाम पर गालियां चीफ मिनिस्टर को बनेगी, ठीक है। अगर दिल्ली में कुछ होता है या फिर पंजाब में कुछ होता है या फिर हरियाणा में कुछ होता है, तो कोई नहीं बोलेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करे, सारी गालियां चीफ मिनिस्टर को पड़ेगी, तो इसलिए यहां पर इन्हीं के नाम पर सारे काम किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर को लेकर। अगर बात करें कई सारे सेक्शन के, जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एक तरीके से एज ए लीडर ही मीट्स द वेरियस सेक्शन, ठीक है, लोगों से मिलता है, सबसे सारी बातें करता है, ठीक है। तो इसके चलते जो जो प्रॉब्लम उनका सोल्व करने का काम इसी के हाथ में रहता है। पॉलिटिकल हेड होता है जो भी सर्विस प्रोवाइड कराने का। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर क्या है, क्यों अपॉइंट किया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल है, क्योंकि कई सारे चीफ मिनिस्टर यार अभी रिजिग्नेशन दे चुके हैं और कई सारे रीअपॉइंट किए जा रहे हैं। तो इसके चलते अभी आप लोगों ने देखा इसके जो बेसिकली गुजरात के अंदर भी, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ओके। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, इसके बारे में भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अभी हुआ क्या यहां पर, बेसिकली एक पर्सन है जिनका नाम है यहां पर जिसका नाम है यहां पर बाबुल, ठीक है, बाबुल सिपोरियो। तो इनके द्वारा अभी क्या किया गया, क्विट कर दी गई बीजेपी और ज्वाइन कर ली तृणमूल कांग्रेस। रीजन क्या था, देखिए जब यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए थे तो सबको यह लग रहा था बीजेपी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, पर लेकिन ममता बनर्जी जो है वो शानदार तरीके से जीतकर वहां पर आ गई, तो जो भी छोड़कर गए थे पॉलिटिकल पार्टी वो फिर वापस आना स्टार्ट हो गए कई सारे, और भी कई सारे मेंबर जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लेते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया हरियाणा पीसीएस के अंदर में। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, ये है बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ये आप लोग देखिए यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में क्या क्वेश्चन बना है, एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1984, तो ये क्वेश्चन है। दूसरा बोला गया, ये प्लेस किया गया 10th शेड्यूल के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो फर्दर स्ट्रेंथ करता है यहां पर 93 अमेंडमेंट किया गया 2003 में। आगे बोला गया यहां पर जो लॉ है यहां पर, ये बेसिकली एक तरीके से मैंडेट करता है कि एक तरीके से जो चेयरमैन है, ठीक है, और जो स्पीकर है यहां पर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव हाउस के, वो एक तरीके से अगर उनके हाथ में पावर दी गई डिस्क्वालीफाई करने की, ठीक है, अगर कोई डिफेक्शन करता है।
तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 4, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, और डी में बोला गया 2 एंड 4। तो सही आंसर आप लोग दीजिए, तब तक मैं टॉपिक कवर करता हूं और फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ओके, हमारी कंट्री में एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया गया था वो लाया गया था 1985, जो हमारी कंट्री में एक अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 10th शेड्यूल के अंदर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। मैंने कई बार बोला है कि राजीव गांधी जी के द्वारा उस टाइम पर लाया गया था, आया राम गया राम ये कॉन्सेप्ट बोला गया था, तो राजीव गांधी जी शब्द में हमेशा यूज करता था। तो यहां पर बोला गया इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी नहीं थी गवर्नमेंट, यहां पर राजीव गांधी की थी। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, पहली स्टेटमेंट गलत होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, करेक्ट पूछा गया, तो ये दोनों तो आंसर नहीं है कम से कम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूं, आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है, अगर जो बात करें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो आर्टिकल 102 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिनको आप लोग अपने सांसद बोलते हैं। इसी के साथ में आर्टिकल 191 देखने को मिलेगा, ये बेसिकली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनको आप लोग विधायक जी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोग याद रखेगा, ये आर्टिकल भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर लाया गया 10th शेड्यूल के अंदर, इसको ऐड किया गया। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करते हैं क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो रहते हैं चेयरमैन राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर स्पीकर रहेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन जो है उसको डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है, ये यहां पर डिसीजन लेंगे। पर लेकिन किन किन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो उसके लिए यहां पर चार कंडीशन है। पहला कंडीशन तो यह, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर वो चुना जाता है अपने खुद का एक अलग से इलेक्शन लड़कर, और फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। रीजन क्या डिस्क्वालीफाई करने का, देखिए अगर यार तरीके से कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है और फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो इससे ये रहता है कि एक तरीके से वो तरीके से एक समीकरण चेंज हो जाती है स्टेट के अंदर में, हो सकता है कई बार अनस्टेबिलिटी आ जाए, तो इसको यहां पर साइड में किया जाता है। नॉमिनेटेड, अगर कोई यहां पर किसी को नॉमिनेट किया गया, अगर यहां पर पर्टिकुलर मेंबर को, तो बोला जा रहा है कि इफ दे ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, तो यहां पर उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ में अगर कोई पॉलिटिकल मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, उसका मन कर रहा है अपने आप वॉलंटरी उसको छोड़ना है, तो वो भी छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में पॉलिटिकल पार्टी यहां पर लात मारकर भगा सकती है, अगर उसको बोला गया कि तुमको ये चीजें फॉलो करनी है, यहां पर आज बिल प्रस्तुत किया जाएगा इसके फेवर में, फिर इसके अपोजिट में वोट डालनी है, अपोजिशन वाले बोलेंगे अपोजिट में डालो, और गवर्नमेंट वाले भी लोगों के फेवर में डालो, पर लेकिन वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चला, यानी कि सॉरी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं चला, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो यहां पर एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, वो वोट डालना नहीं गया, एब्सटेन कर गया कि वोट ही नहीं डालनी है, तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत थी उसके पर, लेकिन उसने साथ नहीं दिया। इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर यह भी बोला जाता है कई बार कि सही नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से आप लोग देखते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सांसद और विधायक जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो पार्टी के पपेट तोते बन के रह जाते हैं, तो ये इसलिए कई बार कॉन्ट्रोवर्सियल भी इशू रहता है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा सुनिएगा, एक्सेप्शन क्या है, अगर छूट कर जा रहा है फिर भी उसको यहां पर एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं बालेंगे। पहला तो है स्पीकर या फिर यहां पर चेयरमैन, यानी कि जो भी लोकसभा राज्यसभा के जो हेड है बेसिकली, अगर देखा जाए इस तरीके से, तो अगर ये यहां पर अपना छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ये रिजाइन कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, तो इसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे। ये तो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर वो इस पोस्ट पर बैठे हैं चेयरमैन और स्पीकर की, वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंसान नहीं रहेंगे, तो ये अच्छी बात है यहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, इस तरीके से हमारी कंट्री में पुराने टाइम पे ऐसी प्रथा फॉलो की जाती थी एक दो बार, ठीक है। अगर बात करें पहले, यहां पर यह था कि 1/3 अगर मेंबर टूट कर जाते हैं, तो उसको बेसिकली ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो एक तरीके से मेंबर टूटे हैं, उसको मर्जर माना जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी ही चली गई। यानी कि पहले क्या था यहां पर, आप लोग समझ सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर आज के डेट में आप लोगों को बोलूं मैं 18 मेंबर है, ठीक है, एक यहां पर देखें, किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर 18 मेंबर है, ठीक है, अगर पहले क्या था 1/3 अगर टूट कर चले गए, तो 3×6=18, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं यहां पर, यानी कि 6 मेंबर यहां पर टूट कर चले गए, तो इसका मतलब ये माना जाता था कि ये टूट कर नहीं गए, एक मर्ज हो गए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, और इतने लोग जाए तो उनको इनको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये बेसिकली टूटा है, ठीक है। तो टूटा नहीं, मर्जर की तरीके से देखा जाता था। फिर लगा यार 1/3 तो काफी ये हो गए, काफी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। यहां पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में, तो ये जो 1/3 था इसको चेंज करके इन्होंने 2/3 कर दिया। यानी कि अब 18 जो मेंबर हैं उसमें अगर बात करें 2/3 अगर जाएंगे, तो यहां पर 3×6=18 और 6×2=12, यानी कि 18 में से अगर 12 मेंबर चले गए, तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई ना, तो ये टूट कर जा सकते हैं इस तरीके से, इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी संभाल ही नहीं पा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन ये सारा जो भी डिस्कशन, जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ये जुडिशियल रिव्यू भी है, इनके जुडिशियरी के पास में जाएगा, अगर कोई स्पीकर डिसीजन लेता है या चेयरमैन डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी चलाएंगे, ठीक है। अब सुनिए यहां पर,
ये बोला गया कि इसको प्लेस किया गया 10th शेड्यूल के अंदर में। जी हाँ बिल्कुल सही बोला गया। तीसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया, बोला गया कि यहां पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो फर्दर स्ट्रेंथन करता है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में। तो ये 93rd नहीं था, 91st था, जिसमें मैंने बोला ना 1/3 को 2/3 कर दिया। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब बच गई क्या, बच गया डी, तो आंसर डी हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था यहां पर, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा जो यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ यूज कर दिया इन्होंने इसके अंदर में, इसलिए मैंने बोला था इसको याद रखिएगा। तो यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते मैंने पूरा टॉपिक कवर किया आप लोगों का। तो दो टॉपिक आप लोगों के पॉलिटी के भी कवर हो गए साथ साथ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसके बारे में बताया भी था। यहां पर बात की जा रही है, अगर बात करें फंडामेंटल राइट के बारे में, तो जो ओनली सिटीजन को अवेलेबल है वो फंडामेंटल राइट कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि बाहर वाले देश के नागरिकों को ये अवेलेबल नहीं होगा, हमारे देश के नागरिकों को अवेलेबल है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। ए में बोला गया राइट टू इक्वालिटी, जो बेसिकली यहां पर आर्टिकल 14 के अंदर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर में, राइट टू फ्री, जो फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट जो अपने रिलीजन का आर्टिकल 25 में, प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर एंड द जो एजुकेशनल राइट ऑफ द माइनॉरिटीज, तो ये आर्टिकल 29 में। तो ये चार आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल है अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन, यानी कि अपने देश के नागरिकों के लिए है, बाहर वालों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, ये आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यार, ये आंसर दीजिएगा। पिछले भी मैंने आप लोगों से आंसर पूछे, कई सारे बच्चे अच्छे आंसर देते हैं। जैसे अभी मैंने यहां पर देखा था, तो पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछे था ना लास्ट वीडियो के अंदर में, तो यहां पर हैरी पॉटर के द्वारा आंसर दिए गए, हालांकि इनका रियल नाम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो यहां पर ये टोटल अगर आप लोग देखें यहां पर, तो ये आप लोग देखते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था सेंट हेलिना के बारे में, ठीक है। तो ब्रिटिश जो यहां पर इसके बारे में बात करें, तो साउथ ओशन के अंदर देखने को मिलेगी, साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। इसी के साथ में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये मैंने पूछा था, तो ये ढाका के अंदर देखने को मिला था 1906 में, ठीक है, हेडक्वार्टर लखनऊ में। तो नवाब जो यहां पर सलीमुल्लाह खान, आगा खान और यहां पर मोहसिन उल मुल्क, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो कैपिटल है वो ट्रांसफर की गई थी कोलकाता टू दिल्ली, मैंने जल्दी जल्दी में ये दिल्ली से कोलकाता बोल दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये यहां पर इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो ये मैंने बेसिकली एक तरीके से, मतलब जल्दी जल्दी में माइंड से स्लिप हो जाती है कई बार, मतलब दिमाग में तो चल रही होती है चीजें, लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज मुझे है यहां पर, जैसे मैंने पहले हैरी पॉटर देखा, तो ये एसएलवी फैमिली के जो कमांडो है, सिल्वर कमांडो, वो सॉरी ब्रॉन्ज कमांडो, पहले यहां पर यहां पर किम जोंग उन थे, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर सिल्वर कमांडो ज्वाइन किया गया, फिर यहां पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। तो मुझे लगा मैंने लगा सारे पॉलिटिकल लीडर आने वाले अब यहां पर, ऐसे ऐसे नाम रखते हो यार आप लोग। देखो यहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइन किया, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या, तो मैंने कहा अभी तो किम जोंग उन था, अभी डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया, चाचा भतीजा दोनों इकट्ठे हो गए यहां पर। चलिए जो भी है, नाम रियल रख लिया करो, क्या जा रहा है, क्या छुपा रहे हो। चलो कोई नहीं, जैसा आप लोगों को सूटेबल लगे, ये आप लोगों की खुद की चॉइस है। आगे चलता हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहां पर आप लोगों को बताना था, यह पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। खबरी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कैग की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, रिसेंटली अभी भी न्यूज में था कैग, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उस रिपोर्ट को यहां पर देखा करती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो यहां पर 100 साल पूरे हुए थे, यहां पर क्वेश्चन बन गया पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, तो यहां पर बात कर लेते हैं इसके बारे में। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जो होता है, बोला गया पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है वो फॉर्मुलेट की गई थी 1921 में। चेयरमैन जो होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो बिलोंग करते हैं मेन अपोजिशन पार्टी से। दूसरा बोला गया टेन्यूर जो इसका होता है वो होता है 2 साल। तो ये बात यहां पर बोली गई है। अगर इस स्टेटमेंट में सही आंसर मैं आप लोगों से पूछूं, तो सही आंसर आप लोग क्या बताएंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये बेसिकली इसमें अपोजिशन के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब तक यहां पर अपोजिशन नहीं हुआ करता था, अब तक यहां पर अगर आप लोग देखेगा इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली गवर्नमेंट की, फिर इसको बाद में चेंज कर दिया गया, अभी बताऊंगा इसके बारे में। टेन्योर जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली 2 साल नहीं है, ये 1 साल है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड से ये, तो आंसर इसका सी हो गया। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जा चुके हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, जिसको पीएसी आप लोग बोलते हैं। वैसे सारी कमेटी मैंने पॉलिटी के अंदर कवर करा रखी है, तो ताबड़तोड़ जो रिविजन कर रहे हैं उनको तो पता ही है सारे, ठीक है, डन लिख दिया करो वीडियो के नीचे जब भी रिविजन किया करो, ओके, ताकि मुझे पता चलता रहे, इसलिए तो मुझे पता है कि बहुत सारे रिविजन करे, डन लिखते हैं जब आप लोग। अगर बात करते हैं यहां पर, बेसिकली बात की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर जो कमिटीज होती हैं वो हेल्प करने के लिए होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो ऑडिटिंग और रिवेन्यू के बारे में बात करें, क्या क्या खर्चा किया जा रहा है उसके बारे में यहां पर ये कमेटी सामने निकल कर आती है। तो तीन ऐसी कमेटी जिनके बारे में याद रखिएगा, एक को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये फाइनेंशियल जो मैटर होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के, उनके बारे में ये एनालिसिस करती है। देखिए आप लोगों का टैक्स की मनी है, आप लोग टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट के पास में जाता है वही तो गवर्नमेंट जो है उसको खर्च करती है, तो आप लोग की मनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए यहां पर ये प्रोविजन रखे गए हैं।
अगर बात करें, क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है यार, जिसकी कुछ हद नहीं है, कि कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसको कौन बेसिकली एनालाइज करता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ही यहां पर इसको एनालाइज करती है और कैग बेसिकली यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा जब 2012 में कई सारे यहां पर जो कई सारे वो एक स्कैम निकल कर आए थे यहां पर 2014 में जब इलेक्शन हुए तो पूरा वही था कि कोलगेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सारे जो मुद्दे थे वो कैग के द्वारा सामने रखे गए थे। जब कैग यहां पर सामने रख रहा है तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, वो ये है कि इसका मतलब ये हो गया कैग ने सामने रखा और एनालिसिस करने वाली पब्लिक अकाउंट कमेटी है। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन कोई यहां पर गवर्नमेंट का बंदा होता तो फिर ऐसे मुद्दे बाहर नहीं आने देता वो, ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर वो उसका चेयरमैन अपोजिशन का बनाया गया बाद में चलकर। तो कैग जो होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो असाइन करते हैं यहां पर बेसिकली काम यहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा जब एनालिसिस किया जाएगा तभी तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कुछ बोल पाएगी, वरना कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अब कैग किस आर्टिकल में आते हैं आप लोगों को बताना है। देखिए कुछ तो यार मैं पढ़ाता चलूंगा, कुछ आप लोग भी रिवीजन करिए अपने से, तो सारी चीजें कवर होती चली जाएंगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनाई गई, इंपॉर्टेंट है, 22 मेंबर होते हैं, ठीक है, तो 7 मेंबर मिनिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे राज्यसभा से, बाकी के सब लोकसभा से। आज की डेट में इसमें आप लोगों को लगभग 11 मेंबर है शायद यहां पर बेसिकली लोकसभा से और 7 मेंबर है राज्यसभा से, यानी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है अभी, 18 मेंबर है इसके अंदर, पर लेकिन होने 22 चाहिए और मैक्सिमम 7 आएंगे यहां पर राज्यसभा से निकलकर, बाकी के बचे हुए जो बच गए यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहां से, लोकसभा से, यानी कि 15 लोकसभा से निकल कर आएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखेगा। अब आगे चले, अगर पार्लियामेंट जो है यहां पर एवरी ईयर ये यहां पर इसको बेसिकली देखने को मिलेगा, इसको अपॉइंट कहते हैं बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, तो जैसे नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है ना इलेक्शन के आते हैं यहां पर, ठीक है, तो राज्यसभा वगैरह के अंदर, तो उसी पैटर्न में आप लोग यहां पर चीज देखने को मिलेगी, जैसे यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन इसी तरीके से आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। पर इंपॉर्टेंट यहां पर यह नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मिनिस्टर यहां पर इलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री ने कोई घपला किया और वो मिनिस्ट्री को यहां पर कैग रिपोर्ट चेक करेगा, कैग रिपोर्ट देगा और पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करेगी, तो मिनिस्टर अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ घपला कर सकता है, तो मिनिस्टर को भी इसका पार्ट नहीं रखा गया है। एक साल टेन्यूर है यहां पर, जो स्पीकर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं यहां पर एक तरीके से, हिम और हर फोर अमंग द मेंबर जो चेयरमैन होता है, पर लेकिन 1967 में इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया कि अपोजिशन से यहां पर बेसिकली मेंबर निकल कर आएगा, ठीक है, यानी कि अपोजिशन से निकल कर आएगा। पहले 1967 तक यहां पर कोई भी यहां पर इसको बेसिकली ये अपॉइंट करेंगे, मतलब एक तरीके गवर्नमेंट का ही रहता था नॉर्मली, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर एग्जामिन करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, पर लेकिन तब करेंगे जब उसको पार्लियामेंट के सामने रख देंगे, और कौन रखते हैं पार्लियामेंट के सामने कैग की रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्रेसिडेंट रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। कैग जो है ये सबमिट करते हैं 3 रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। एक रिपोर्ट है यहां पर रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 रिपोर्ट कैग के द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो कि एनालाइज की जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई सारी, मुझे नहीं लगता है अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर होना चाहिए, ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली बातें। आइए अब आगे चलते हैं। कई सारे बच्चे बोले हैं, सर एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर मैं तो यात्रा पर निकल चुका हूँ, वहीं पर ही आपका लेक्चर देख रहा हूँ, यानी कि वो भाई साहब उत्तराखंड में है तो बोल रहे हैं सर आपका लेक्चर जो है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आकर एक तरीके से देवभूमि पर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जो है ये सारे मिलकर यहाँ पर अभी इनको ओपन किया गया, पर मैं आप लोगों से एक तरीके से सलाह ये दूंगा कि अभी थोड़े दिन रहने देना अगर आप लोग अभी थोड़ा सा वो करना, क्योंकि अभी COVID-19 चीजें खत्म नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर बाद में भी आप लोग जा सकते हैं, तो कोई वो श्रद्धा की बात है वैसे आप लोगों की कोई बात नहीं है। और अगर रिलीजन आप लोगों को अपना फॉलो करना है तो इसके बारे में याद रखिएगा, आर्टिकल 25 आप लोगों को ये पावर देता है संविधान के अंदर, जब पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाते हैं, ठीक है, आप लोग अपना खुद का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को बेसिक राइट है, आप लोगों के पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में छोटी सी बातें, और बाकी यहाँ पर COVID-19 के चलते सारी चीज जो बंद की गई थी उसके लिए आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के जो है यहाँ पर एनवी रमन साहब, उनके द्वारा बोला गया है कि यार आज की डेट में जो हम लोग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, हमको अपना खुद का जो सिस्टम फॉलो करना चाहिए जो लीगल सिस्टम है, ठीक है, तो उसको खुद का बनाना चाहिए, अपने हिसाब से बनाना चाहिए। इंडियन पिनल कोड हो गए, क्रिमिनल जो कोड ऑफ प्रोसीजर हो गए, वो सारे फॉलो कर रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। काफी सिस्टम हम लोग आज के डेट में भी अंग्रेजों के फॉलो कर रहे हैं, मतलब पुराने पुराने एक्ट आप लोगों ने देख रहे हो 1861, 1862 ये सारी चीजें, ठीक है। तो बोला कि अपने खुद के होने चाहिए यार, इतने दिन हो गए आजाद हुए अभी भी आप लोग काम नहीं कर रहे हो, तो एक अच्छी बात यहां पर बोलेगी, पर्सनली अच्छी बात लगी मुझे। 48वीं पोस्ट है इनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, याद रखिएगा 48वीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिलहाल अभी है जो यहां पर, और टोटल 34 पोस्ट होती है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिसमें 33 जज होते हैं और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आज के में 4 महिलाएं हैं, पहली बार इतनी स्ट्रेंथ देखने को मिली महिलाओं की, तो जिसकी वजह से ये न्यूज में है।
आगे बात करते हैं यहाँ पर एनआईए के बारे में, जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट लाने की बात की जा रही है, क्योंकि एनआईए को नया काम अभी यहाँ पर सौंपा गया है। तो इसके चलते यहाँ पर जो साइबर जो टेररिज्म हो रहे हैं वो काम यहाँ पर दिया गया इसको 2 साल पहले, तो इसलिए यहाँ पर कई सारे और इसके लिए ढांचागत विकास किया जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर एनआईए का हेडक्वार्टर है। बाकी एनआईए के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और यहाँ पर इंटरवेंशन के बारे में बात करें तो आप लोग टॉपिक को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, 2008 में इसको बनाया गया, ये एक सेंट्रल की एजेंसी है। अगर हमारी सोवरेनिटी को कोई हर्ट करे, सिक्योरिटी को हर्ट करे, हमारी कंट्री में जो स्टेट की सिक्योरिटी को, देश के साथ में रिलेशन को कोई दिक्कत पहुंचाए, हमारी एटॉमिक और जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके अगेंस्ट कोई हरकतें करे, और इसी के साथ में स्मगलिंग करे एक तरीके से हाई, जो बेसिकली क्वालिटी ऑफ काउंटरफिट जो इंडियन करेंसी है, यानी कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसके नकली नोट कोई बेचता हुआ इधर उधर पाया जाए, तो एनआईए यहां पर पिक्चर में आ जाती है, उसकी धरपकड़ करेगी एनआईए। इसी के साथ में जो यहां पर इंप्लीमेंट करती है इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, जो कन्वेंशन है, जो यहां पर यूनाइटेड नेशन इन सब चीजों से रिलेटेड, और टेरर को भी कंबैट करने का काम करती है। इसका जो बात की जाती है सेंट्रल काउंटर, अगर बात करें आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कौन है, तो वो है एनआईए। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। और यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर बेसिकली ये बनाई गई 2008 में, जब मुंबई टेरर अटैक आप लोगों को देखने को मिला, तो यहां पर तब चीजें आती हैं। सुनामी आई 2004 में, तो 2005 में आ गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो सारी कोई दिक्कत आती है उसके बाद में चीजें क्रिएट की जाती हैं। आगे अगर बात करें दिल्ली में हेडक्वार्टर है, बाकी कई सारी और ब्रांच देखने को मिलेगी, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। तो इसकी अलग अलग ब्रांचेज भी हैं, पर मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में, तो ये याद रखिएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई एनआईए के बारे में। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है बाई इलेक्शन के बारे में वेस्ट बंगाल के अंदर। तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल जो है हमारी कंट्री में एक राज्य है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर ये ही है, ठीक है। कई बार बोलते हैं वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, है तो ये ईस्ट में, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये बांग्लादेश का पार्ट था तो बांग्लादेश के ईस्ट में था, यहां पर सॉरी बांग्लादेश के वेस्ट में था, तो इसलिए वेस्ट बंगाल बोलते हैं। और फिर कटकर हो गया ये बांग्लादेश अलग, तो हमारी कंट्री के तो वेस्ट में आ गए, पर लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी जी ने बोला था इसका नाम वेस्ट बंगाल हटाना पड़ेगा, इसका नाम बस बंगाल करना पड़ेगा, डब्ल्यू हटा के इसके अंदर से, ठीक है। कई बार ऐसी बातें बोली जाती हैं, पर चलिए जो भी है वो इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं है, पता होना चाहिए। पर कई बार छोटे छोटे बच्चे पूछ लेते हैं ऐसी ऐसी बातें, और फिर बोलते हैं कि अरे भैया इतना भी नहीं पता, आप तो यूपीएससी की तैयारी करो, बेइज्जती करते हैं, ठीक है। तो बेइज्जती नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहां पर वेस्ट बंगाल के जब अंदर इलेक्शन हुए, तो टोटल मिलाकर यहां पर 292 पोस्ट के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें से 213 यहां पर तृणमूल कांग्रेस जीतकर तो आ गई, पर लेकिन इनकी जो कन्वीनर थी यहां पर, जो इनकी जो होल सोल अथॉरिटी थी ममता बनर्जी जी, वो हार गई। तो यहां पर जब हार गई तो फिर भी चीफ मिनिस्टर बन गई, तो कौन सा आर्टिकल पावर देता है, आर्टिकल 164 यहां पर पावर देता है, हारने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, पर लेकिन 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को फिर से चुनकर आना पड़ेगा। तो नंदीग्राम पोस्ट से यहां पर ये हार गई थी, पर लेकिन अगर बात करें अभी यहां पर बात की जा रही है, यह भाभीनीपुर से यहां पर ये अभी बेसिकली इलेक्शन लड़ने वाली है, तो माना जा रहा है यही जीतेंगे यहां से। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो चीफ मिनिस्टर स्टेट का 6 महीने के लिए रह सकता है इंसान, अगर वो इस तरीके से यहां पर, अगर यहां पर हार जाता है, फिर भी कौन बोलता है आर्टिकल 164 यहां पर बोलते हैं। तो इस तरीके से नोट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेचर है उसका मेंबर नहीं है। और लेजिस्लेचर क्या होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट के अंदर दो, एक तो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, एक हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने राज्य के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सब राज्य के अंदर नहीं है। यहां पर इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो विधान इसको बोलते हैं सभा, और इसको बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। जैसे लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, इसी पैटर्न में पर अपर हाउस लोअर हाउस बोलते हो, वही पैटर्न यहां पर है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां कहां पर है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आंध्र प्रदेश में, सो सीधी सीधी बात है आंध्र प्रदेश में, तो तेलंगाना में भी होगी क्योंकि 2014 में अलग किया गया था, ठीक है। बिहार में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तो टोटल मिलाकर ऐसे 6 राज्य है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है आज के में हमारे देश में। तो याद रखिएगा, बोला गया था वेस्ट बंगाल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जाएगी, क्योंकि लग रहा था कि बाई इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे तो दिक्कत देखने को मिलेगी, तो सारे मुद्दे यहां पर चल रहे थे, पर लेकिन वो सारे मुद्दे दूर हो गए। अब यहां पर बोला जा रहा है बाई इलेक्शन कराए जाएंगे, तो बाई पोल होंगे यहां पर। बाई पोल कब रहते हैं, जब यहां पर कोई पर्टिकुलर पोस्ट जो खाली हो जाती है, ठीक है, कोई रेजिग्नेशन दे देता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो तब यहां पर बाई पोल कंडक्ट कराए जाते हैं। हालांकि 2011 में भी यहां पर ये चीफ मिनिस्टर जब बनी थी, पार्लियामेंट से ये अपनी पोस्ट छोड़कर आई थी, तो उस टाइम पर भी यहां पर ये कहां से इलेक्ट हुई थी, यहां पर ये भाभीनीपुर से इलेक्ट हुई थी, तो फिर से यहीं पर इलेक्ट होने जा रही है। तो ये आर्टिकल 164 जो है ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली सफदरजंग टॉम के बारे में। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में आया गया है कि यहां पर इसकी खस्ता हालत हो चुकी है, जर्जर हालत हो चुकी है। तो ये काम किसका होता है इनको प्रोटेक्ट करने का, ये काम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इसके बारे में आप लोगों से, याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1861 में बेसिकली इसको बनाया गया था। क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से उस टाइम पर कौन थे हमारे बेसिकली जो
ऑफिस रहे थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, 1857 से लेकर 1862 तक रहे थे, और इसी के टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंगम, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में यहां पर आता है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे आर्टिकल यहां पर, बेसिकली कैलाश सत्यार्थी साहब जो हैं वो बोले यहां पर अफगानिस्तान में लड़कियों की कंडीशन के ऊपर, नोबेल प्राइज विनर है, किस साल में इनको नोबेल प्राइज मिला था ये आप लोग बताइए। अब इनके द्वारा बोला गया, अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो 17th यहां पर जो ग्लोबल है एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, जो यहां पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके हिसाब से हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं यहां पर, बच्चों को हम लोग को देखना चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो बात मुझे लगी वो यहां आप लोगों से क्वेश्चन है, बेसिकली पूछा जाएगा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, GSI, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, यानी कि जो स्लेव बनाया जाता है ना, स्लेव कौन होता है, जब आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने पास में रखो और उसको पेमेंट भी ना दो एक तरीके से, और जबरदस्ती उसके उसको अपने साथ में बांध के रखो, एक तो होता है अपनी मर्जी से कोई आप लोगों के साथ में बंधा हुआ है, ठीक है, यानी कि आप लोगों से प्यार करता है, इसलिए जैसे घर में क्या होता है, जैसे मम्मी वगैरह काम करते हैं फोर्सफुली थोड़ी ना करते हैं, वो प्यार करते हैं हमसे अब अपने बच्चों से, ठीक है, तो इसलिए वो पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। पर लेकिन अगर सोचो उनकी जगह किसी को ला के रख लो आप लोग बाहर से और जबरदस्ती उसको रखो, उसको पैसा भी ना दो, तो वो हो गया सेलेबरी, यानी कि एक तरीके से घर में जानवर नहीं होता है, वो आप लोग खरीद कर लेकर आते हो तो आप लोग की प्रॉपर्टी मान लेते हैं आप लोग उसको, तो वो वाली चीजें होती है। कई बार पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा पद्मावत मूवी में, नहीं था वो वहां पर उसका खिलजी का जो स्लेव था, तो ये चीज आप लोगों ने देखी होगी काफूर करके, ठीक है, तो इस तरीके समझिए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात की जा रही है ग्लोबल स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, तो कौन ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है पूछे, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ILO, ये याद रखिएगा। अभी सत्यार्थी साहब क्या बोल रहे हैं कि यार देखो पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, कोई बोल ही नहीं रहा अफगानिस्तान के अंदर, खराब हो रही है, भुखमरी हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, हेल्थ काफी डिटेरियोरेटेड हो रही है, बच्चों की एजुकेशन इंपैक्टेड हो रही है, जेंडर इक्वलिटी कोई देखने को नहीं मिल रही है, क्यों बोला गया जेंडर इक्वलिटी नहीं देखने को मिल रही है, अभी गर्ल्स को एक्सक्लूड कर दिया गया सेकेंडरी एजुकेशन से अफगानिस्तान के अंदर में, ओनली बॉयज को अलाउ किया गया तालिबान के रूल में, तो इसलिए यहां पर ये मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, तो इसी के ऊपर बात की जा रही है, तो इसलिए ये बातें इनके द्वारा बोली गई, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रख सकते हैं, ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली ऑक्शन किए गए, यहां पर जैसे कि नीरज चोपड़ा की जो भाला फेंक था उनका भाला, यहां पर इनके ग्लव्स हो गए लवलीना के, तो सारा पैसा यहां पर इकट्ठा हो रहा है बहुत सारा, ठीक है, तो ये जो ऑक्शन में यहां पर पैसा निकल कर आ रहा है ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये तो पूछेंगे नहीं किसका कितना बेका गया, अगर थोड़ा सा हल्का सा याद रखे, पर ये इंपॉर्टेंट है कि पैसा कहां यूज किया जाएगा, तो पैसा नमामि गंगे जो मिशन है हमारी कंट्री में उसके अंदर यहां पर ये यूज किया जाएगा, जो कि स्टार्ट किया गया था यहां पर हमारी कंट्री में कि हां गंगा को स्वच्छ करने का काम करेंगे इसके थ्रू, ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। बाकी अभी फ्रांस और यूएसए के बीच में रस्साकसी होती नजर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में, क्यों, क्योंकि इनके द्वारा अभी एक ग्रुप बनाया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, और कौन है यहां पर, यूके है, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो उस ग्रुप के बनने के बाद में यहां पर क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर पावर एक एग्रीमेंट किया गया यहां पर, किससे, ये यूएसए से और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो फ्रांस के साथ में जो एग्रीमेंट था वो इनके द्वारा तोड़ दिया गया है, तो फ्रांस को काफी इंपैक्ट प्राइस की वजह से, तो फ्रांस ने अभी क्या किया गया, रिकॉल कर लिया गया अपना इनवॉय ऑस्ट्रेलिया से भी और यूएसए से भी, तो कंडीशन आने वाले टाइम में थोड़ी खराब देखने को मिलेगी, जो कि सोचने वाला मुद्दा होगा, ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोगों को क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टार्टिंग में सोनू सूद के बारे में हम लोगों ने जाना, बाकी क्वेश्चन के आंसर जो पूछता हूं काफी अच्छे से दे रहे हो आप लोग, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, ठीक है, और नाम ओरिजिनल रखिए, ठीक है, आगे हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में काफी कुछ डिटेल में समझा, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसी के साथ में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जाना, तो ये देखा हम लोगों ने, और क्वेश्चन जो पूछा आप लोगों से उसका भी आंसर देना है, ठीक है, बाकी हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में काफी डिटेल में समझा, तो ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, चार धाम देखें, इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या बोल रहे हैं समझा, NIA के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने जाना, तो यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इसी के साथ में जो बेसिकली हम लोगों ने समझे यहां पर बाई इलेक्शन के बारे में कौन सा आर्टिकल और क्या क्या चीजें होती है, ये काफी डिटेल में हम लोगों ने जाना, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने समझा, कैलाश सत्यार्थी साहब के द्वारा क्या बोला गया वो सारी बातें हम लोगों ने समझी, नमामि गंगे मिशन लवलीना ये ऑस्ट्रेलिया और इसी के साथ में ये एजुकेशन, ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा लेक्चर यार जरूर बताना, फीडबैक दिए वगैरह मत जाया करो, ठीक है, कम से कम लाइक और डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, एक सेकंड लगेगा, और बाकी 10 में से कितना मार्क्स देंगे जरूर बताना, PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना जो मैंने आप लोगों को बताया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें टेलीग्राम पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, तो लाखों मेंबर जुड़े हैं उनको फायदा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चर दूसरों तक जरूर पहुंचाना अगर आप लोगों को लग रहा है फायदा पहुंचा रहा है, अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती है, खुशियां बांटने से बढ़ती है, ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए अपनी एग्जाम के लिए, तो मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो और खुश रहो, तो बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोड़ी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।